स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना मैन बन कैसे बांधता हूं और वो सेम प्रोसेस को रिपीट करके आप अपना परफेक्ट मैन बन कैसे बांध सकते हो। बाय द वे, हाय, माय नेम इज मोहित। मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूं। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं मिलकर कम्युनिटी बिल्ड कर सके। ओके, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपकी बालों की लंबाई। अब मैंने अपना पहला हाफ मैन बन अराउंड 8 to 9 months ऑफ हेयर ग्रोथ जर्नी के बाद बांधा था। ऑनेस्टली मुझे हाफ मैन बन हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, पर ये एवरीडे लाइफ के लिए प्रैक्टिकल हेयर स्टाइल नहीं है। और मैंने अपना पहला प्रॉपर मैन बन अराउंड 11 मंथ्स ऑफ हेयर ग्रोथ जर्नी के बाद बांधा था। अब आपकी हेयर ग्रोथ मुझसे थोड़ी सी तेज या थोड़ी सी धीरे हो सकती है, पर लगभग आपको प्रॉपर मैन बन बांधने के लिए 1 साल की हेयर ग्रोथ जर्नी चाहिए होती है। बाय द वे, मैंने अपनी 2.5 ईयर की हेयर ग्रोथ जर्नी को अपनी इस वाली वीडियो में शेयर किया है, तो मेक श्योर आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करो। शुरुआत में आप लोग एक मीडियम एंड टाइट मैन बन ही बांध पाओगे जस्ट बिकॉज आपकी बालों की लंबाई उतनी नहीं है, पर जैसे जैसे आपके बालों की लंबाई बढ़ती जाएगी आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैन बन बनाने के ऑप्शन भी बढ़ते जाएंगे। आप फॉर्मल लुक के लिए एक हाई एंड मैन बन बांध पाओगे और फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप एक लो एंड मैन बन बांध पाओगे। बाय द वे, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है मोहित, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आपको हेयर ग्रोथ जर्नी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ओके, आपके बालों की लंबाई के बाद सेकंड थिंग्स वी नीड इज एक्सेसरीज। एक अच्छा मैन बन बनाने के लिए आपको बेसिक एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट होगी। एक बेसिक कॉम्ब जो किसी भी टाइप का हो सकता है, पर मैंने जितने भी डिफरेंट कॉम्ब यूज करे हैं, मेरा प्रेजेंट कॉम्ब इज द बेस्ट आई हैव एवर यूज्ड। सेकंड बेसिक एक्सेसरी जो हमें चाहिए होगी मैन बन बांधने के लिए, वो है एक हेयर बैंड। अब हेयर बैंड किसी भी साइज, थिकनेस, कलर का हो सकता है, पर मैं पर्सनली थोड़ा मोटा हेयर बैंड प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंफर्टेबल रहता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है टेक्निक। अब ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसको स्किप ना करो ताकि आप भी एक परफेक्ट मैन बन बांध सको। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है अपने बालों को अच्छी तरीके से कॉम करना, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब कॉम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके बालों में जितनी भी फ्रिजीनेस है वो सारी दूर हो जाए और आपके बाल अपनी एक्चुअल लेंथ में वापस आ जाएं। इससे हमारा मैन बन और ज़्यादा नीट दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा गोल होता है कि हम अपने सारे बालों को एक साथ होल्ड करें और उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करें। अब जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, आपके बाल जितने लंबे होंगे आपको उतने ज़्यादा हेयर ऑप्शंस मिलेंगे बनाने को। अब क्योंकि मेरे बाल अच्छे खासे लंबे हैं, इसलिए मैं एक हाई एंड मैन बन बांधता हूँ। मैन बन के लिए अपने सारे बालों को एक साथ टाइटली होल्ड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ स्विच हैंड टेक्निक। थोड़े बाल लेके उन्हें सीधा खींच के होल्ड करने के बाद सेम प्रोसेस को दूसरे हाथ से रिपीट करता हूँ और फिर सेम प्रोसेस को तब तक रिपीट करता हूँ जब तक मेरे सारे बाल एक साथ होल्ड अपना हो जाए। इसके बाद मैं अपने डोमिनेंट हैंड में अपने हेयर बैंड को रखता हूँ और अपने बालों को भी डोमिनेंट हैंड से ही होल्ड करता हूँ। मेरे दूसरे हाथ से मैं नॉट टाई करता हूँ और मैं यूजुअली 2 नॉट टाई करता हूँ। अब वो सेकंड नॉट फुल नॉट हो सकती है या हाफ नॉट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मुझे कितना क्लीन मैन बन बनाना है। तो ये था वो सिंपलेस्ट तरीका जिससे आप अपना एक नीट मैन बन बांध सकते हो। ऑब्वियसली ये बिल्कुल बेसिक तरीका था जिससे आप एक मैन बन बांध सकते हो। इसके अलावा और बहुत तरीके होते हैं जिससे आप एक मैन बन को बांध सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के ग्रुप में ताकि आप और आपके फ्रेंड्स एक साथ मिलकर एक सेक्सी सा मैन बन बना सको।